ये रहा चॉकलेट केक। वाओ, मेरे लिए? बहुत ही यम्मी बना है। सच्ची? और बहुत ही सुपर टेस्ट है। अच्छा कि तुम्हें पसंद आया, वरना तोलू मोलू को चॉकलेट केक बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे हाथ का बना हुआ केक सिर्फ चिक्स को पसंद है। That means कि मैं पापा पे गई हूँ और उनकी और मेरी टेस्ट सेम सेम है। मैं अभी आई। ये काकी अचानक से चली क्यों गई? नहीं, ये केक मेरे लिए है। अरे जाजा, ये केक तो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी खाऊंगी। अरे नहीं, हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। तुम चिंता मत करो, हमारा मकसद जरूर कामयाब होगा। हेलो हेलो, आपने जो कहा मैंने सुन लिया, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। जय अंबे। क्या क्या मकसद क्या है आपका? इस मोदी परिवार को बर्बाद करने का। मानना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा। आप बड़ी जोकिंग है। क्यों, आपको नहीं लगता मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर आप ऐसा करेंगी क्यों? बोलो बोलो। बदला लेने के लिए। बदला? कैसा बदला? आपको इस घर में लेके आए उसका बदला लेने के लिए। नफरत करती हूँ मैं आपसे, नफरत। और आप क्यों खामखा उर्मिला बहन को डरा रही हो? उर्मिला बहन, आप परेशान मत होइए, मेरी सखी गौरा बचपन से ही ऐसी है, मजाकिया स्वभाव की। मैं मजाक नहीं कर रही हूं, मैं सच कह रही हूं। बस गौरा, उर्मिला बहन, आप परेशान मत होइए। बात को हंसी में निकाल दी, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि गौरा बहन सही बोल रही थी। नानी, नानी, कहीं नानी ने संदूक के अंदर केक तो नहीं छुपा दिया? क्या कर रही थी छोकरी? पागल हो गई है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? तुम्हें पता है, अगर छोटे बच्चे
किसी की चीज को हाथ लगाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, राक्षस उन्हें पकड़कर जंगल में ले जाते हैं और फिर उस परी को राक्षसी का सामना करना पड़ा। फिर पता है दोनों के बीच कौन हारा और कौन जीता? गोलू बोलो। कमाल है ये कोयली, मैं इसे कहानी सुना रही थी, जैसे ही राक्षसी का भाग आया ये डर गई। तेरी पोती को पूरी दुनिया को डराना चाहिए, उसके बदले यही डर रही है। अच्छा ठीक है, पूरी कहानी मत सुनना, ये तो जान लो जीत किसकी हुई। समझ ले कि ये है वो राक्षसी और मैं हूं वो हूर परी। ये राशि इतना क्यों डर रही है? एक दिन हुआ दोनों के बीच बहुत बड़ा युद्ध, राक्षसी ने लिया सहारा झूठ का और परी ने दिया साथ सच का। लेकिन सच का साथ देने वालों को भुगतनी पड़ी बरसों तक पीड़ा और झूठ के संग चलने वाली राक्षसी को मिला जीवन खुशहाली का। लेकिन वक्त का पहिया घूमता गया और फिर हुआ आमना सामना दोनों का। लेकिन परी ने खाई थी कसम कि वो लेकर रहेगी अपने दुखों का बदला और कोकिला को देगी कड़ी से कड़ी सजा। कोकिला? तुम अपने संवाद भूल गई राक्षसी। अरे पकड़ लिया तूने मुझे कोयली, पकड़ लिया। लेकिन कभी कभी पात्र के विरुद्ध जाके एक्टिंग करने में बड़ा मजा आता है ना? धा। तभी तो मेरी सखी के चेहरे पर ऐसे आश्चर्य के भाव देखने को मिलेंगे मुझे। राशि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ देती हूँ। एक बात अवश्य कहूंगी, तुम अपने अभिनय में अव्वल हो। खैर अभी अभिनय छोड़ो, दरअसल मैं मंदिर जा रही थी तो तुम्हें बुलाने आई हूँ। भगवान सौनु भलू करे, बस शुरुआत मारा थी करे। बोलो अम्बे मात की जय। हे कृष्ण भगवान क्या हुआ? वो रेस्टोरेंट में दी के पैर में मोच आ गई। हे कृष्ण भगवान मोच कैसे? एक बात बताओ मीरा तुम लोगों के साथ क्या कर रही थी? इसे अपनी बहन की बहुत चिंता हो रही होगी इसलिए उसकी रखवाली करने के लिए वहां चली गई होगी, है ना? जी नहीं, मैं तो अपने दोस्तों से मिलने गई थी और वहां ये दोनों मुझे मिल गए। इस दादी से कुछ मत कहना, बहुत डांट पड़ेगी। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आती, तुम दोनों तो बंबई में पली बड़ी हो ना, तो यार राजकोट में तुम्हारे इतने फ्रेंड्स हैं? है ना फ्रेंड्स, इंटरनेट फ्रेंड्स। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, फिर तो दिल्ली चेन्नई कलकत्ता सब जगह तुम्हारे बहुत फ्रेंड्स होंगे। तुम्हारा नेटिंग वर्क एकदम जोरदार है। नेटिंग वर्क नहीं, नेटवर्किंग होता है। हाँ, सेम टू सेम एज। पर मीरा अचानक से तुम्हारे पैर में मोच कैसे लग गई? बहन को देख के फिसल गई होगी।
What do you mean? आपको क्या लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ? मुझे नहीं लगी चोट। तुम तो कुछ भी कर सकती हो। This is ridiculous. एक मिनट, क्या अंग्रेजी कर 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 रही है? मुझे समझ में नहीं आता कि इतने बड़े राजकोट में ये तीखी मिर्ची को ये एक ही होटल मिला है? जिसमें विद्या और श्रवण गए थे। अरे भाई, ये दोनों पति पत्नी होने वाले हैं, उनको थोड़ा वक्त मिले, वो दोनों एक दूसरे को जाने, उसके लिए इन दोनों को अकेला भेजा था, तो वहाँ तू टपक गई। मैं इसकी जगह होती ना तो विद्या श्रवण को वहाँ देख के उन्हें बिना मिले वहाँ से चुपचाप रफू चक्कर हो जाती। आपको दिख नहीं रहा है मुझे इतनी चोट लगी है। मासी जी ठीक है ना? विद्या और श्रवण फिर कभी चले जाएंगे वहाँ? ए छटंकी, तुम जानती हो कि तुम्हारी बेटी कैसी चैप्टर है? वो सब जानते हैं, अब मेरा मुंह मत खुलवा। This lady is impossible. दादी मैं देखती हूँ मीरा जी को। बुरा मत मानना, तुम्हारी ये दोनों पोतियों में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी विद्या को देखो, एकदम खरा सोना, और ये मीरा। बस मासी जी बस, मैं कब से सुने जा रही हूँ आप मीरा के बारे में कुछ भी बोले जा रही हैं। मैं मानती हूँ कि हमारी मीरा जिद्दी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके बारे में कुछ भी बोलती रहे। हर बार जब भी मौका मिलता है उसका अपमान करती रहती। मेरी मीरा इतनी भी बुरी नहीं है मासी जी। माँ जी मैं जाकर मीरा को देखती हूँ, कहीं उसे ज्यादा तो चोट नहीं लगती। कोयली तू कुछ भी कह, लेकिन तेरी ये बहू के तेवर देख के और जिस तरह से वो मेरे साथ तर 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 करती है, उस पर से मुझे नहीं लगता कि वो विद्या और श्रवण के रिश्ते को लेकर खुश है। नहीं गौरा, मेरी गोपी बहू का मन आईने की तरह साफ है। यदि इस रिश्ते को लेकर उसके मन में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट होती तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये रिश्ता जुड़ता ही नहीं। सच तो ये है कि इस वक्त वो अपनी बड़ी बेटी मीरा को लेकर बहुत चिंतित है, और जिस प्रकार तुम बात बात पर मीरा का अपमान किए जा रही हो, माँ होने के नाते उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मीरा है ही ऐसी, तो मैं क्या करूँ उसमें? स्वीकारती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन वो ना समझ है, तुम तो समझदार हो, इसलिए मीरा से थोड़ा नरमी से पेश आओ। मैं मीरा को देख कर आती हूँ। मैं आई तब से कोयली मेरे आगे पीछे प्रदक्षिणा किए जा रही है, लेकिन ये उसकी गोपी वहू जो है मेरे लिए खतरा साबित हो सकती है। ये एक ही है जो कोयली को मेरे विरुद्ध भड़का सकती है। सोच गौरा, कुछ सोच, कुछ कर, कहीं ऐसा ना हो कि बना बनाया खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। याद करते तुम लोग मेरे को, बोला हिचकी मार मार के गले का कौवा बैठ गया। बहुत मिस करते ना तुम लोग, रिवर्स गियर डाल के वापस इधर ही आ गया मैं। ए गेंदा गुलाब, ये मैयत के फूल कितने के पड़ेंगे? अभी फटाफट तुम लोग भी जुड़ने का, फूल धमाल होने वाला है। उड़ने की आशा इस मंगलवार से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।